अजय देवगन की और आर माधवन की फिल्म शैतान रिलीज हो गई है। अब ये जस्ट फिल्म अच्छी है, ज्यादा कोई बढ़ा चढ़ा के जो बोल रहे हैं ये इतनी है नहीं, बट जस्ट अच्छी है। अब ये क्यों अच्छी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं पहले आपको अपना इंट्रोड्यूस करवा दूं। भाई मेरा नाम फारूक है और आप ये रिव्यू चैनल देख रहे हैं, ये मेरा ये इस पर मैंने ऑलमोस्ट 300 वीडियोज अपलोड किए हैं और उनमें जितना भी वॉइस होता है वो सारा का सारा मेरा होता है। बट आज जब मैंने शैतान फिल्म देखी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक रिव्यू दिया जाए और वो भी आपके सामने, मतलब कि मैं अपना फेस शो करूं। तो जैसा कि शैतान फिल्म एक सुपर नेचर हॉरर फिल्म है, बट क्या ये सच में सुपर नेचर हॉरर फिल्म है? तो इसको आप हॉरर फिल्म नहीं कह सकते, आप इसको थ्रिलर फिल्म कह सकते हो, क्योंकि इसमें हॉरर जैसा कुछ था ही नहीं। हाँ, इसमें हॉरर वाले एलिमेंट्स जरूर मिलते हैं हमें, जैसे कि वो जो जानवी वाला सीन होता है वो काफी डरावना होता है, क्योंकि वो उस शैतान के वश में होती है और वो जो भी बोलता है उसे वो करती जाती है। और यहाँ तक कि अब अगर वो रो रही है तो अचानक उसको हंसाना, फिर उसको डांस करवाना, ये सारी की सारी जो हमें चीजें देखने को मिलती है ना, ये सच में एक हॉरर वाली फीलिंग ले आती है। बट इतना हॉरर नहीं है जितना कि इन्होंने दिखाया हुआ है। वैसे इसका जो म्यूजिक है वो आपको थोड़ी बहुत हॉरर वाली फीलिंग ले आएगा। तो भाई ये फिल्म है कैसी, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? देखो, अगर आप लोगों ने गुजराती फिल्म वश नहीं देखी है तो ये फिल्म अच्छी है और आप इसको देख सकते हो, आपको बहुत ही मजा देगी। बट अगर आपने वश फिल्म देखी है गुजराती, तो यकीन करो ये फिल्म आपको कोई मजा नहीं देगी। सबको पता है कि ये शैतान फिल्म रीमेक है गुजराती फिल्म वश का, और इसमें जो जानवी का कैरेक्टर प्ले किया है जानकी ने, वो भी उस वश फिल्म में भी थी, और यकीन करो उसकी एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। अब अगर हम स्टोरी की बात करें तो भाई स्टोरी जो है ना, वो तो हमें ट्रेलर में ही पता चल गया था कि एक स्ट्रेंज मैन होता है जो कि इनके घर में आ जाता है किसी काम की वजह से, बट वो पहले से ही जानवी को अपने वश में कर चुका होता है। बस जस्ट उसको देरी थी वहां से उसको ले जाने अपने उस खुफिया जंगल में, जहाँ वो अपनी एक विश पूरी करना चाहता है ताकि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो करवा सकता है सिर्फ नजर घुमाकर। क्योंकि वो किसी को भी वश करता था तो उसको पहले वो कोई ना कोई चीज खिलाता था, अब वो जो चीज होती थी उसमें कोई काला जादू होता था तो भी वो उसके वश में आ जाती थी। बट अब वो चाहता है कि ऐसा नहीं हो, और इसलिए वो कम से कम 100 के ऊपर लड़कियों की कुर्बानी देता है ताकि उसको वो पावर मिले, क्योंकि वो शैतान है और शैतान जो होते हैं वो भाई ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनके तो बड़े बड़े इविल प्लान होते हैं और इसका भी यही प्लान है। बट ये उसका प्लान कामयाब नहीं हो जाता, क्योंकि जानवी का जो बाप है जिसका करेक्टर प्ले किया है अजय देवगन ने, तो वो उसको रोकता है। और यकीन करो मैंने जब भी अजय देवगन को देखा है कि वो जब बाप बनता है और अपने बच्चों को बचाता है तो वो परफेक्ट करेक्टर निभाता है। जैसे कि आप इसकी दर्शन फिल्म देख लो या फिर उसका भोला फिल्म देख लो, वो भी कमाल की फिल्म थी, क्योंकि उसमें भी अजय देवगन का एक बाप का करेक्टर था और उसमें भी वो अपने बच्चों को बचाता है। तो इस फिल्म में भी अजय देवगन अपने बेटे को बचा रहा है और यहाँ तक अपने छोटे बेटे को भी बचा रहा है। और जब भी अजय देवगन ऐसा कोई करेक्टर करता है तो वो फिल्म अच्छी होती है और सक्सेसफुल जाती है। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, बट आर माधव ने और अजय देवगन ने और जानकी ने इस फिल्म को एक जान दी है, क्योंकि उन तीनों की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। अब आप इस फिल्म को देखोगे ना तो यकीन करो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी, स्पेशली जानवी की और आर माधवन की। भाई मैंने वश फिल्म नहीं देखी है तो मैं इस फिल्म को जो रेटिंग दूंगा वो है 10 में से 8, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त है। वैसे इस टाइप की मूवीज मुझे अच्छी नहीं लगती, बट ये फिल्म सच में अच्छी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।